नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi 11i Hypercharge वर्सेस Tecno Pova 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 11i Hypercharge में 6.44 इंच जबकि Pova 5G में 6.8 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो 11i Hypercharge में 3 इंच जबकि Pova 5G में 3.08 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो 11i Hypercharge में 0.33 इंच जबकि Pova 5G में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि 11i Hypercharge से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 11i Hypercharge में AMOLED जबकि Pova 5G में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम है, 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 11i Hypercharge में 6.67 इंचेस जबकि Pova 5G में 6.9 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 11i Hypercharge में 1080x2400 और Pova 5G में 1080x2460 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 11i Hypercharge में 86.27% जबकि Pova 5G में 83.79% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 11i Hypercharge में 395 पिक्सल प्रति इंच जबकि Pova 5G में 389 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 11i Hypercharge में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Pova 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 11i Hypercharge में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Pova 5G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G68MC4 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 11i Hypercharge में MediaTek Dimensity 920MT6877T और Pova 5G में MediaTek Dimensity 900MT6877 मिलता है। बात करें RAM की तो 11i Hypercharge में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है, जबकि Pova 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 11i Hypercharge में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Pova 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो 11i Hypercharge में अप टू 1TB जबकि Pova 5G में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी 11i Hypercharge में 4500mAh जबकि Pova 5G में 6000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो 11i Hypercharge में 4 कलर्स जबकि Pova 5G में 1 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 11i Hypercharge में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जिसमें कि 6 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 26,999 रुपीस, 8 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 28,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें पोवो 5G की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 21,900 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Xiaomi 11i हाइपरचार्ज में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें टेक्नो पोवो 5G की तो उसमें 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में 11i हाइपरचार्ज आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी S21 5G है, दूसरा OnePlus 8T 5G है, तीसरा सैमसंग गैलेक्सी Note 20 Ultra 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी S20 FE है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।